मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ ट्वीट किया है लिखकर, वो आप दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। हम बता दें पढ़कर, लिखा है मनीष सिसोदिया ने, आज फिर सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है। यानी कि स्पष्ट कर रहे हैं कि आज ही की बात है, ये पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं। आज फिर से सीबीआई मेरे दफ्तर पहुंची है, उनका स्वागत है। उन्होंने मेरे घर पर रेड कराई, दफ्तर में छापा मारा, लॉकर तलाशे, मेरे गांव तक में छानबीन करा ली। मेरे खिलाफ ना कुछ मिला है ना मिलेगा, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ईमानदारी से दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है मनीष सिसोदिया। कब किया है इन्होंने ट्वीट, उस पर टाइम देखिए, शाम 4 बजे, यानी अब से थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट्स पहले। और इसी को लेकर घमासान है। पंकज, ये तो क्लियर है ट्वीट के जरिए मनीष सिसोदिया ने यह साफ कर दिया है कि आज फिर, लिखने का मतलब कि सीबीआई आज ही की कार्रवाई के बारे में वो बात कर रहे हैं। पूर्व में भी छापेमारी हुई, लेकिन उसके जरिए और भी उन्होंने निशाना साध दिया कि अब तक कुछ मेरे खिलाफ मिला नहीं है और आगे भी नहीं मिलेगा। ईमानदारी का हवाला भी दिया है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से सीबीआई या ईडी की हमने कार्रवाई देखी है इस पूरे मामले में, जितने भी लोगों का एफआईआर में नाम थे उसमें से ज्यादातर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन मनीष सिसोदिया को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। भविष्यवाणी भी की गई कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको याद होगा गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल लगातार इस पूरे मामले में भविष्यवाणी कर रहे थे, कह रहे थे कि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अब जब इस मामले में एक बार फिर से सीबीआई की रेड हुई है तो देखना यह भी होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का राजनीतिक रूप में इसमें बयान सामने आएगा, और दूसरी तरफ जो जांच आगे बढ़ रही है उसके पहलू क्या होंगे। इन सवालों का जवाब जाहिर है कि जब रेड खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मिलना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के एलजी ने जांच का हवाला दिया था, चीफ सेक्रेटरी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से शराब नीति को तैयार किया गया है, आक्रोश उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। तो ये एक वजह हो सकती है कि सीबीआई दिल्ली सचिवालय पहुंची है, क्योंकि दिल्ली सचिवालय एक ऐसी जगह है जहां पर इन तमाम नीतियों को लेकर निर्णय लिए गए। 6th फ्लोर जिसकी हम बात कर रहे हैं, छठवा माला दिल्ली सचिवालय का, जहां पर उप मुख्यमंत्री का दफ्तर है, तो ये वही जगह होगी जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है और अपनी जांच कर रही है। अब देखना यह भी होगा कि इस मामले को लेकर क्या वहां पर डॉक्यूमेंट लेने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, या फिर वहां पर कुछ सवाल जवाब भी किए जाएंगे, या फिर कुछ ऐसी जानकारी जो कि शराब नीति से जुड़ी हुई है वो जानकारी खंगालने की कोशिश सीबीआई कर रही है। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या ये एक रूटीन जांच तो नहीं है, क्योंकि कई दिनों के बाद। और पंकज, क्या इस पर कोई जानकारी सामने आई है कि जब सीबीआई रेड की जिसकी बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, जब ये छापेमारी हुई सीबीआई की तरफ से दफ्तर और उनके आवास पर, क्या उनकी मौजूदगी थी दफ्तर या फिर आवास पर या कहीं और थे? देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने ट्वीट तो किया है, हम उनके दफ्तर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया क्या दिल्ली सचिवालय में इस वक्त मौजूद हैं, और कुछ ही देर में ये जानकारी जो है वो स्पष्ट भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से उप मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से जानकारी पहुंचाई गई है इससे थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पाया कि मनीष सिसोदिया वहां पर मौजूद है या नहीं है। लेकिन जो पिछली रेड का हम आंकड़ा देखें तो कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट हो पाया है कि मनीष सिसोदिया घर पे भी मौजूद थे, और जब उनको लॉकर खुलवाने के लिए टीम लेकर पहुंची हुई थी तो वहां पर भी मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी मौजूद थी। तो ऐसी स्थिति में क्या यहां पर भी मनीष सिसोदिया मौजूद हैं, ये थोड़ी देर में। और गांव का भी जिक्र किया है उन्होंने कि मेरे गांव तक टीम पहुंचे, गांव का भी जिक्र किया है उन्होंने। बिल्कुल, मनीष सिसोदिया का जो गांव है वो उत्तर प्रदेश में है और वहां के वो रहने वाले हैं, उनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में है। इस बात का जिक्र उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया था कि जब वहां पर टीम पहुंची तो कुछ मिल नहीं पाया। चुनाव के पहले की ये बात है, साल 2022 में टीम वहां पर छापा मारने के लिए पहुंची थी, वहां पर जांच कर रही थी, और जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने ये दावा किया था कि गांव में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। क्योंकि देखिए शराब नीति में सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से पैसों का हेरफेर हुआ है, यानी कि एक बड़ी रकम की बात यहाँ पे अगर की जा रही है तो वो पैसा कहाँ है। जाहिर है इस बात की जांच भी सीबीआई टीम कर रही होगी, तो ऐसे में अलग अलग जगहों पे तो जांच की ही गई और रेड मारी गई, और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में। और देखना यह भी होगा कि इस जांच से क्या कुछ निकल के आता है, क्या वाकई ये रेड काफी लंबी चलने वाली है, ऐसे कई सवाल हैं जो कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएंगे।
तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जानकारी साझा कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, एक बार फिर से आपको हम ट्वीट उनका दिखा देंगे, क्या ट्वीट किया और क्या कुछ लिखा है। उसमें बहुत कुछ आरोप भी लगाया है, लेकिन सिसोदिया ने दावा भी कर दिया कि सीबीआई ने जो छापेमारी की है कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अब तक कोई भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिले हैं और आगे भी नहीं मिलेंगे, ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है। तो मनीष सिसोदिया पर एक बार फिर से सीबीआई का शिकंजा, क्योंकि ये ट्वीट करके खुद जानकारी दी गई है दिल्ली के डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से, यानी कि फिर से दिल्ली में सियासी घमासान का दौर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जो लगातार अनवरत सिलसिला जारी है वो रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा है, और घर और दफ्तर पर जांच एजेंसी का छापा। और इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या जानकारी है आपके पास, क्या सीबीआई की छापेमारी फिर से हुई है? आपके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये तो दावा किया है कि गांव से लेकर घर और दफ्तर तक सीबीआई की छापेमारी हुई। हाँ देखिए, मुझे ये लगता है कि एक बात बताइए, आबकारी नीति की में देखिए आप कि लगभग 500 जगह छापे मारे गए, 800 अफसर लगे, लेकिन जब चार्जशीट फाइनल कर रहे थे तो उनका नाम तक नहीं था। कोशिश, सवाल ये नहीं है कि वो किसी करप्शन की जांच करने के लिए आ रहे हैं, परेशान करने की साजिश है इनको, अधिकारियों की डराने की साजिश है, किसी तरह से दिल्ली का काम रुक जाए, दिल्ली वालों से बदला लेना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पॉलिटिक्स नहीं है, इससे जनता का नुकसान होता है। जनता ने अगर जिसको मैंडेट उसको काम करने दो। आप तमाम साजिशें तमाम कोशिशें कर लिए, आज तक एक अटर्नी का करप्शन आप साबित नहीं कर पाए, तो ये तमाम कोशिशें हैं किसी तरह से डराने की, किसी तरह से काम को रोकने की, मुझे लगता है जनतंत्र ये ठीक नहीं है।